संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पितृ पक्ष के महत्व और इसमें पितरों के श्राद्ध से होने वाले कल्याण की, इसमें साथ ही श्राद्ध पक्ष से जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारियां भी प्रदान करूंगा। यह सर्व विदित है कि उचित तिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जैसे जिस दिन व्यक्ति का अंतकाल होता है उसी समय पर उसी तिथि में उसको मनाया जाता है। बस वंश परंपरा से आने वाले अवरोध दूर होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उचित तिथि पर तर्पण व श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं तो घर में सुख समृद्धि की अभिवृद्धि होने लगती है। जब भी आप श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं श्रद्धा और भावना से करते हैं तो पितृ लोग आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। आपको कुछ बिंदुओं पर मैं समझा रहा हूँ। पितृ पक्ष की अवधि में किए गए श्राद्ध से अनेक दोषों का परिहार भी हो जाता है। जैसे कि आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है, इस अवधि में हर जागरूक व्यक्ति अपनी झोली में बड़ी सरलता से अपने पुरखों का आशीर्वाद समेट लेता है। कहने का मतलब यह है कि इस पितृ पक्ष के अंदर आप अगर श्रद्धा और भावना से इस कार्य को करते हैं तो आपके पितृ आपको पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। पितरों का तर्पण व श्राद्ध किया जाता है। तर्पण व श्राद्ध से तृप्त पितृगण श्राद्धकर्ता की झोली में सुख समृद्धि वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लोक में वापिस चले जाते हैं और फिर वह पितृलोक में वापिस चले जाते हैं। एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि श्राद्ध पक्ष में किसी नई वस्तु की खरीदारी, गृह प्रवेश समेत अन्य मांगलिक कार्य और कोई शुभ धार्मिक अनुष्ठान करना उचित नहीं होता। इस पक्ष में केवल विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृ पक्ष को हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भादों के महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विनी महीने में की अमावस्या तक की अवधि पितरों का श्राद्ध करने के लिए निश्चित है। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष भी कहते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह मृत्यु लोक में जाकर अपने स्वजनों के पास जाकर उनका किया हुआ तर्पण श्राद्ध ग्रहण कर सकें। हमारे शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में तर्पण व श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस साल वार्षिक श्राद्ध 10 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि पंचांग के अनुसार भादो महीने की पूर्णिमा से ही वार्षिक श्राद्ध का कर्म प्रारंभ हो जाता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से होकर 25 सितंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन अश्विनी महीने की अमावस्या तिथि है। पितरों के लिए समर्पित इस अवधि में हर दिन पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है। इसके साथ ही पितरों के दिवंगत होने की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जो भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए वस्त्र लाता है, कई बार आप दुकान पर जाते हैं और जाकर किसी दुकानदार से कहते हैं कि आप हमें वस्त्र दे दें तो वहाँ तुरंत दुकानदार पूछ लेता है आपसे कि आपको ब्राह्मणों के लिए वस्त्र चाहिए, तो वहाँ पर आपको हल्की से हल्की क्वालिटी के वस्त्र दिए जाते हैं। कदापि आप ऐसा न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको श्राद्ध करने का फल प्राप्त नहीं होता। आपको जो वस्त्र आप पहनते हैं वही ब्राह्मणों को दान करने चाहिए। और जिस व्यक्ति के, जैसे बीच में आप कई बार भूल जाते हैं पितृ पक्ष में कि आपकी तिथि क्या थी, तो आप अमावस्या के दिन उस श्राद्ध को कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए विषय पर आपसे चर्चा हुई, तब तक के लिए जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद होगा।